वेलकम है गाइस आपका एक नई वीडियो में, और इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले स्काउट भैया के कंट्रोल्स और करने वाले हॉट ड्रॉप। देखो तुम्हें पता है अपन है प्रो, और वो भी इतना बड़ा प्रो कि जब हम अपने थ्री फिंगर कंट्रोल पे खेलते हैं तो पोचिंग की में खड़े होकर बूट कैंप तक सिल्की स्मूथ स्प्रे दे के 150 बंदे मारते। पर मैंने सोचा ऐसे बार बार अच्छा भी तो नहीं लगता कि सारे किल मैं ले लूँ, मतलब बाकी लॉन्डे भी तो खेलने आते। तो फिर मैंने सोचा ऐसा क्या किया जाए कि बाकियों को भी 5-6 किल मिल जाए और बाकी पूरा सर्वर मैं खा जाऊँ। तो मैंने सोचा किसी और के कंट्रोल्स पे खेल के देखते हैं। हाथ बैठने में थोड़ा टाइम लगेगा तो हो सकता है मैं सिर्फ 80-90 किल करूं, 150 किल ना कर पाऊं, तो बाकी लोगों को भी खेलने का मौका मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैंने किया हॉट ड्रॉप, कहाँ अपार्ट्स में, लेकिन अपार्ट्स में जाते हुए हवा में आती बदबू ने हमें पहले ही बता दिया कि अपार्ट्स जाने वाले एक लॉन्डे ने अपनी पैंट में हक दिया। तो उसकी टट्टी से दूरी बनाने के लिए हम उतरे स्कूल पे, और स्कूल पे उतरते ही हमने किया कूड़ा बीनना चालू। 10 सेकंड में 2 फ्लोर चाटने के बाद हमें पता चला कि एक बॉट बार बार गोलियां चला के हमें सड्यूस करना चाहता था। बस फिर क्या था, तुम्हारे भाई का स्क्रीन शेकिंग स्प्रे और लियोनल लूर के लगा दिए लोड़े। लियोनल लूर के लोड़े लगाने के बाद हमें पता चला कि लियोनल लूर का दोस्त स्कूल के बाहर खड़ा होके पत्थर मार के स्कूल के शीशे फोड़ना चाह रहा था। बस फिर क्या था, तुम्हारे भाई ने खोल दी उसके सारे राज और काट दी उसकी गांड पे प्याज। गांड पे प्याज काटने के बाद मैं डोलता ढूंढ ही रहा था कि ऊबर वाला अपनी गाड़ी कहां खड़ी करके भूल गया। इतने में मुझे पता चला कि हमारे लौंडे को किसी ने ठिला दिया, जैसे उसने उसका लेंट पकड़ के हिला दिया। देखो हमारे टीममेट को कोई फिनिश करके बच जाए ऐसा हो नहीं सकता, और हम बिना स्ट्रेटेजी के रश कर दे ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो हमारे दूसरे टीममेट ने उनके एक बंदे को नॉक किया। इतने में हम जाके खड़े हो गए टूटी झोपड़ी के पास। हमने अपने टीममेट को बोला उनके मेन दरवाजे पे स्मोक कर दे, इससे उन्हें लगेगा कि हम आएंगे सीधा मेन डोर से। लेकिन हमने यूज करी चूतिया बनाने की निंजा टेक्निक, और हम घुसे फुल रोटेशन देके, लेकिन मेन डोर से ही। मेन डोर से घुसने के बाद हम चढ़े उनके टॉप फ्लोर पे चढ़ते ही उनके जंगली बंदर ने हमारे बंदे को ठिला दिया। बस फिर क्या था, तुम्हारे भाई का इनसेन जिगल और दोनों का डॉगी स्टाइल रिवील करते हुए हमने उन्हें भी भेज दिया सीधा लॉबी में। लॉबी भेजने के बाद हम अपने टीममेट को रिवाइव दे ही रहे थे कि इतने में हमारा दूसरा टीममेट आया और खुशी खुशी कूड़ा बीनने लग गया। वो खुशी खुशी कूड़ा बीन ही रहा था कि अचानक से उस गोरिल्ला के टीममेट्स हम पे हमला कर देते। बस फिर क्या था, आते जाओ और प्रसाद लेके जाते जाओ, नोबडी के सामने थोड़ी ना टिक जाओगे। प्रसाद देने के बाद मैं टीममेट्स की मरम पट्टी कर ही रहा था कि इतने में हमने देखा एक लौंडा हमारे घर के नीचे से बिना नमस्ते किए जा रहा था। अपुन कूदा बालकनी से और उसे तमीज सिखा दी कि बेटा अगली बार पैर छुए बिना गया तो मजबूरन लंड छूना पड़ेगा और वो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसे भी लॉबी भेजने के बाद हमने उठाई थार, पियो लस्सी, मारो ढकार और चल दिए जोन में। इतने में हमने देखा कि ज्यादा लस्सी पी लेने की वजह से हमारे एक टीममेट को ज्यादा नशे हो गए और वो पैन लेके हवा में नाचने लग गया। नाचते नाचते हम पहुंचे मिलिट्री बेस। मिलिट्री पहुंचते ही हमने देखा फ्लेयर। बस फिर क्या था, फ्लेयर देखते तुम्हारे भाई ने कर दी वॉर डिक्लेयर। वॉर डिक्लेयर करने के बाद जैसे ही हम ड्रॉप पे पहुंचे हमने देखा कि एक बंदा टूटी दीवार के पीछे मूत के जीरो बनाने की कोशिश कर रहा था। अब देखो यार, खुले में शौच करने वाले हमें वैसे ही पसंद नहीं है, तो हमने उसे भी झुका के भेज दिया सीधा लॉबी में। उसे झुका के लॉबी भेजने के बाद हमने देखा कि बहुत दूर से गोलियां चला के बार बार उसके टीममेट्स हमारे आस पड़ोस वालों की नींद खराब कर रहे। बस फिर क्या था, हमने सोचा दूर से मारने का कोई फायदा नहीं है, तो अपन गया रश करने और गोली चलते ही लेट गया ताकि कल को अगर मैं उनका क्लच कर दूं तो वो ये ना बोले कि बिन बताए मार दिया। बस फिर क्या था, तुम्हारा भाई गया क्लच करने और अगले मैच में करेंगे क्लच। इस मैच में मन नहीं कर रहा मेरा। अबे सबको मैं ही मार दूंगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तो राम निकला रे, देव मारुस निकला रे। तो गाइस होप करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मारो, और यार कमेंट्स में बताओ वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।